का बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिंह। आज का ये वीडियो आपको हैरान भी करेगा और गर्व से भी भर देगा। आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि कैसे बैंक में आपके पैसे के साथ नरेंद्र मोदी ने चमत्कार कर दिया है। लेकिन भारत के विकास की सबसे शानदार कहानियों में से एक शुरू करूं और आपको बताऊं कि कैसे मोदी ने जो किया वो 11 मुल्कों के प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते थे। उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी आज की डेट में कौन है और आपको चार ऑप्शंस भी दूं, ए रिलायंस, बी अडानी इंटरप्राइजेस, सी इंफोसिस या डी SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप में से 99.9% लोग ऑप्शन ए बी या सी चुने। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि सही जवाब है ऑप्शन डी यानी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा कि सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सरकारी बैंक। ये यकीन से परे लग रहा है कि एक सरकारी बैंक देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी कैसे हो सकती है। तो यही वो चमत्कार है जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। ये वो चमत्कार भी है जिसने देश को और आपकी मेहनत की कमाई को बचा लिया। आज एक एक डिटेल बताऊंगा तो आपके मन में नरेंद्र मोदी के लिए इज्जत कई गुना और बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 178% बढ़ गया। सुनकर ही किसी को शॉक लगेगा कि किसी कंपनी का इतना बंपर मुनाफा, वो भी तब जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं, ऊपर से सरकारी बैंक का मुनाफा गजब ही है। इतना ही नहीं, और सुनिए, दूसरे सरकारी बैंक का मुनाफा भी आसमान छू रहा। सारे सरकारी बैंकों का मुनाफा मिलाकर 35,000 करोड़ रुपए के पार रहा है इस एक तिमाही में, जो पिछले साल के इसी समय के मुकाबले डबल है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में तो सरकारी बैंक्स का कुल मुनाफा 1,00,000 करोड़ के पार रहा। लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है और वो कहानी शुरू होती है इस सवाल से कि क्या भारतीय सरकारी बैंक हमेशा से ऐसे ही नोट छापने की मशीन थे। जवाब है नहीं। भारत के सरकारी बैंकों की हालत तो ये थी कि इनमें से कई तो आपका पैसा लेकर टाइटैनिक की तरह डूबने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री हुई सिंघम स्टाइल में नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बाबा बागेश्वर के स्टाइल में बैंकों की पर्ची खोल डाली और देश का सबसे बड़ा चमत्कार कर दिया। जिन लोगों ने हाल में सेव SBI और सेव LIC जैसा प्रोपेगेंडा फैलाया था, उनके लिए तो मोदी के चमत्कार की ये कहानी हार्ट अटैक लाने वाली है। लेकिन फिर भी दिल मजबूत करके सुन लीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तब भारत का बैंकिंग सेक्टर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। और सबसे दुखद तो यह है कि उसे बारूद की ढेर पर बैठाने की जिम्मेदारी एक ऐसी सरकार के माथे है जिसमें प्रधानमंत्री एक महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह। लेकिन एक महान अर्थशास्त्री की सरकार ने देश की बैंकों का क्या हाल किया, और जिन नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, उन्होंने आपके पैसे के साथ कैसे चमत्कार किया, ये आज आपको देखना चाहिए। कांग्रेस और उसके नामदारों की फोन बैंकिंग ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। बैंकों ने ये जानते हुए भी कि उनके द्वारा दिए गए लोन की वापसी मुश्किल होगी, बस कुछ विशेष लोगों को लोन देना ही पड़ेगा, पता है नहीं आएगा दो। मार्च 2014 जब यूपीए सरकार जाने की कगार पर, भारत के सरकारी बैंकों का मुनाफा 27% गिर गया। लेकिन जो हालात थे उससे तय था कि सरकारी बैंकों को अगले कई साल कोई मुनाफा होने ही वाला नहीं। इनफैक्ट उनका नुकसान 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। यानी आज जो बैंक एक साल में 1,00,000 करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं, वो 2,00,000 करोड़ के नुकसान पर बैठे हुए। यहीं से होती है नरेंद्र मोदी की एंट्री, जिन्होंने सत्ता में आते ही सबसे मुश्किल काम शुरू किया, और वो काम था भारतीय बैंकों की सालों की गंदगी को साफ करने। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं। बैंकों ने सबसे पहले तो ये मानना शुरू किया कि जो नुकसान दिखाया गया है, दरअसल नुकसान उससे कहीं ज्यादा है। इसके बाद 2015 में मोदी सरकार ने NPA यानी बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की सही डिटेल निकालनी शुरू की। मोदी ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम क्यों नहीं है, ये समझने के लिए पहले ये समझिए कि NPA होता क्या। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, इसी से बैंक चलते हैं। बैंक का लोन ही उसका एसेट होता है, क्योंकि भाई उसी से पैसा कमा रहे हैं। कोई लोन अगर नहीं चुकाता है तो बैंक को नुकसान होता है, इसलिए ऐसे लोन जो रिकवर नहीं हो पाया है उसे बैंक NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, क्योंकि भाई वहां से पैसा नहीं आ रहा। इनकी सही जानकारी RBI को देनी होती है।
पहले सही जानकारी नहीं दी जाती थी। पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन दे देने का खेल चलता था नरेंद्र मोदी के आने के पहले। बैंकों की हालत खस्ता होती चली गई। नरेंद्र मोदी ने बैंकों की जो डिटेल निकलवाई उसे कहते हैं AQR यानी एसेट क्वालिटी रिव्यू। यानी सरल भाषा में कहिए तो बैंकों के पास जो एसेट है उनमें कितने क्वालिटी के हैं और कितने बेकार, इसकी जानकारी नरेंद्र मोदी ने निकलवानी शुरू की। यानी बैंकों ने कितने ऐसे लोन दिए हैं जिनकी वापसी के चांस हैं और कितना पैसा डूब सकता है, इसके बारे में एसेट क्वालिटी रिव्यू करवाया नरेंद्र मोदी। अब मोटे तौर पर 3-5% से ज्यादा NPA होता है तो वो बैंक के लिए खतरनाक माना जाता है। यानी बैंक ने मान लीजिए 100 रुपए का लोन बांट रखा और उसमें से 3-5 रुपया नहीं लौट रहा हो या लौटने में दिक्कत हो तो उसे खतरा माना जाता है। उसके ऊपर तो बवाल मान के चलिए कि भाई 3-5% से ज्यादा का NPA है तो समझिए बैंक और आपका पैसा दोनों डूबने की कगार। अब सुनिए कि कांग्रेस के राज में बैंकों का जो NPA 3-5% होना चाहिए था वो था कितना। कैनरा बैंक का NPA 12%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का NPA 19%, पंजाब नेशनल बैंक 18% के NPA पे बैठा हुआ था, IDBI, यूको और इंडियन ओवरसीज बैंक इनका NPA 24-28%, और देश के सबसे बड़े बैंक जो सबसे ज्यादा कर्ज देता है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका NPA 11%। सरकारी बैंकों का कुल NPA मिला लीजिए तो वो 15% के आसपास औसत बैठ रहा। यानी जो आंकड़ा 3-5% होना चाहिए वो 15% है। हालात इतने खराब थे कि RBI ने तुरंत 21 सरकारी बैंकों में से 11 को स्पेशल प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डाला। यानी इनको तुरंत नहीं देखा गया कांड हो जाएगा ऐसी वाली लिस्ट में डाल दिया। जैसे अस्पताल में किसी पेशेंट के लिए कहते हैं ना कि उसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो भाई इसकी तो जान जा सकती है, वैसा ही हाल देश के 21 सरकारी बैंक्स में से 11 का हो रखा था UPA के जमाने। यानी मोदी सरकार ने तुरंत ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया। बैंकिंग सेक्टर को तुरंत किसी झटके से बचाने के लिए उसमें 3,00,000 करोड़ रुपए डाले गए। मतलब पेशेंट को इलाज चलते रहने के दौरान तुरंत ऑक्सीजन लगा दिया गया ताकि सांस चलती रहे, मौत ना हो और इलाज पूरा हो सके। इसके बाद कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों के साथ मर्जर एक और अहम कदम था जो नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया। लेकिन इसमें एक खतरा था कि कमजोर बैंक का जो बैड लोन है वो अच्छे और मजबूत बैंक को प्रभावित कर सकता था, इसलिए ये काम बहुत सावधानी से किया जाना और आखिरकार नरेंद्र मोदी ने ये काम किया और सब कुछ ठीक रहा। सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया वो था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड नाम का कानून लाना। जो लोग ये मानकर बैठे थे कि वो तो बिना लोन चुकाए बच जाएंगे, उनकी नाक में दम कर दिया नरेंद्र मोदी। इस कानून ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी और नतीजा ये हुआ कि 2014 से अब तक 10,00,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेने का जो खेल चल रहा था वो भी मोदी सरकार ने रोक दिया। आप सोचिए क्या सिस्टम चल रहा था कि पुराना लोन नहीं चुकाया और उसको चुकाने के लिए एक और नया लोन ले लिया, मतलब आप ही के पैसे से आपका लोन चुका रहे। अगर आपने लोन नहीं चुकाया है तो नए बिजनेस के लिए लोन मिलना बंद हो गया, ये नरेंद्र मोदी ने किया। स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना बंद करवा दिया, यानी मोदी ने देश के बैंकों के पैसे को अपनी बकौती समझने वालों के नाक में नकेल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज कोई बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिस्ट में नहीं है। यानी किसी भी बैंक की हालत ऐसी नहीं है कि उसे ऑक्सीजन पर रखना पड़े। सारे के सारे सरकारी बैंक आज की डेट में प्रॉफिट में आ चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट 178% रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रॉफिट पहली तिमाही में इस साल 88% रहा, कैनरा बैंक का प्रॉफिट 75%, पंजाब नेशनल बैंक का प्रॉफिट छप्पड़ फाड़ कर 307% पे चला गया। 2021-22 में सरकारी बैंकों का कुल प्रॉफिट 66,000 करोड़ रुपए था जो 2022-23 के वित्तीय वर्ष में बढ़कर 104,000 करोड़ हो गया। इस साल की पहली तिमाही में प्रॉफिट 35,000 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है। यानी जिन बैंकों के लिए एजेंडाधारियों ने पूरा माहौल बनाया कि नरेंद्र मोदी ने SBI से लोन दिलवा दिया अडानी को, वो SBI छप्पर फाड़कर मुनाफा कमा। अब आप खुद सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने कैसे सबसे मुश्किल टास्क को न सिर्फ पूरा करके दिखाया बल्कि बैंक में रखा आपका पैसा बचा लिया, वरना ये बैंक डूबते तो करोड़ों घर बर्बाद हो जाते, देश बर्बाद होता। लेकिन सवाल यह है कि बैंकिंग सिस्टम में इतना कचरा आया कहां से।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने संसदीय समिति के सामने 2018 में अपने लिखित बयान में कहा था कि इनमें से ज्यादातर बैड लोन 2006 से 2008 के बीच के, यानी यूपीए के जमाने के। इस वक्त बैंकों ने अनाप शनाप लोन दिए और सरकार भी या तो सोती रही या फोन कॉल पर लोन दिलवाने के आरोप से घिरी रही। आपको याद होगा कि कैसे एक फोन कॉल पर लोन मिलता था, ये एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया। हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी तो अब आई, लेकिन उस समय एक स्पेशल परंपरा चल रही थी फोन बैंकिंग की, और इस फोन बैंकिंग का प्रसार उतना हुआ था, नामदार अगर फोन कर दें तो बैंकिंग और फोन पर कर्ज देने वाले बड़ा पार लोन मिल ही जाता था। रघुराम राजन से जब यह पूछा गया कि क्या ये लोन राजनीतिक दबाव में दिए गए थे, तो उन्होंने कभी सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कहा था कि ज्यादातर लोन अच्छे संबंध रखने वाले प्रमोटर्स को दिए गए जिनका लोन न चुकाने का ट्रैक रिकॉर्ड और इतिहास था। यानी आप खुद सोचिए, जिनके बारे में ऑलरेडी पता था कि लोन पिछला लोन इन्होंने नहीं चुकाया है, क्योंकि उनकी सेटिंग गेटिंग थी तो उनको लोन दिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्यों इस देश में कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं आ। जब ऐसी सरकारें रही हों जहां लोन न चुकाने वालों को लोन मिलता रहा, कोई नरेंद्र मोदी को कैसे पसंद करे, क्योंकि नरेंद्र मोदी आए और ये राजशाही बंद करवा दी और गरीब और आम आदमी के साथ साथ देश का पैसा बचाए, तो ये एजेंडाधारियों को भला कैसे पसंद आ सकता है। लेकिन आज की डेट में ये वो चमत्कार है जिसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आलोचना की परवाह किए बिना जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम को फिर से जिंदा किया, वो देश के लिए एक निर्णायक कदम और देश को आगे ले जाने में सालों तक अहम भूमिका निभाता रहेगा, चाहे सरकार किसी भी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय बताइएगा कि बैंकिंग सेक्टर में आपके पैसे को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बचाया और जिस तरह से चमत्कार करके पूरा बैंकिंग सिस्टम मुनाफे में ला दिया, सरकारी बैंकों में को मुनाफे में ला दिया, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।